गंजाने इलाके में शादी समारोह में शरीक होने आए जयपुर के एक युवक ने अवसाद में आकर धारदार चाकू से गला काट लिया, जिसे रिश्तेदारों ने जेलन अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक के बयान लेने थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गंज थाने के एसआई रामकुमार ने बताया कि जयपुर निवासी विजय मेहरा इस इलाके में शादी में शरीक होने आया था। परिवार वाले किसी काम से घर से बाहर गए थे और उसने पीछे से कमरा बंद कर लिया और अपना गला काट लिया। बहरहाल जब तक विजय होश में नहीं आता, गला काटने की वजह नहीं बताई जा सकती। किस तरह का ये जानकारी मिलती है? आज हमें जानकारी टेलीफोन आया था हमारे पास हॉस्पिटल से कि एक व्यक्ति गला कटने से हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, जिस पर हम यहाँ आए हैं और उसके बयान ले रहे हैं। ये आदमी जयपुर का रहने वाला है, इसका नाम विजय है, बाप का नाम नाथूलाल है, जाति मेहरा है, उम्र 48 साल है, जय सिंहपुरा खोर थाना ब्रह्मपुरी जयपुर का रहने वाला है। और ये अपनी रिश्तेदारी में आया था शादी में, तो इसके वाइफ और बच्चे वगैरह जो रिश्ते थे वो नारियल पानी लेने गए हुए थे और पीछे से इसने कमरे में बंद कर करके अंदर से कुंदा लगा करके इसने अपना शुम का गला काट लिया। इसकी पत्नी से बात हुई है तो वो कह रही है कि बीमार रहता था, वो डिप्रेशन में था थोड़ा, बाकी बयान लेने के बाद मिस्त्री स्पष्ट होने पाए। अभी उसके बयान लेने कोशिश कर रहे हैं, अभी ऑपरेशन थिएटर में है तो बयान लेने के बाद में स्थिति स्पष्ट होने पाएगी। हालत क्या गंभीर है? जी हालत गंभीर है। हाँ अभी हालत गंभीर है, बाकी हम डॉक्टर साहब को तहरीर दे रहे हैं, अगर वो कह देंगे बयान देने फिट फॉर गिवन टू स्टेटमेंट है तो बयान लेंगे, नहीं है तो फिर जब भी वो होश में आएगा तो उसके बयान लिए जाएंगे। ऐसी क्या गंभीर बीमारी होती है? नहीं अभी इतना ये बताया, केवल वो अवसाद में था, बीमार रहता था, उसकी पत्नी इतना बताया अभी तक। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।